नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके बीच में लेके आए हैं। आपको बताते चले, रेल मंत्रालय ने सभी जोन के महाप्रबंधक की शक्तियों में बढ़ोतरी करते हुए पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला उन पर छोड़ दिया है। पहले पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय तक प्रस्ताव भेजा जाता था, जिसकी हरी झंडी मिलने के बाद ही ट्रेनों को चलाया जाता था। अब अपने जोन में महाप्रबंधक पैसेंजर ट्रेन को दौड़ा सकेंगे। यदि दूसरे जोन में पैसेंजर ट्रेन का स्टेशन होगा तो इसकी अनुमति रेलवे बोर्ड से लेनी होगी। यानी कि अगर एक ही जोन में पैसेंजर ट्रेन चलती है तो उस ट्रेन को जीएम के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। पैसेंजर ट्रेनों के ना चलने से रेलवे की आमदनी पर भी असर पड़ रहा था। अब रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। शक्तियां मिलते ही महाप्रबंधकों ने अपने अपने जोन में पैसेंजर ट्रेन कहां कहां दौड़ाई जा सकती है, इसके लिए मंडलों से प्रस्ताव भी मंगवा लिए हैं। कोरोना काल के बाद मालगाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ था। ऐसे में ऑपरेटिंग विभाग से भी पत्राचार किया गया था कि पैसेंजर ट्रेनों का संचालन कैसे किया जाए। आपको बता कि कोरोना काल में ट्रेनों को स्पेशल का दर्जा देकर दौड़ाया गया, बाद में पैसेंजर ट्रेनों को भी स्पेशल और मेल एक्सप्रेस का दर्जा देकर दौड़ाया गया। पैसेंजर ट्रेन न चलने से सीधे रेलवे की आमदनी पर खासा असर पड़ने लगा था। छोटे रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव होता था, यानी कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन जाती है तो रास्ते में पड़ने वाले सभी छोटे स्टेशनों में रुकते हुए वो जाया करती थी। लेकिन इनके बंद होने से स्टॉल को घाटा हुआ, पार्किंग विभाग को घाटा हुआ, विज्ञापन आदि टेंडरों पर असर पड़ने लगा और इन सभी को बहुत ही ज्यादा घाटा होने लगा। यात्रियों के न होने के कारण स्टॉल संचालकों ने भी लाइसेंसी फीस को लेकर आपत्ति उठाना शुरू कर दी। अब पैसेंजर ट्रेनों के चलने से यात्रियों की सुविधा होगी और स्टॉल संचालकों की आमदनी बढ़ेगी। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस का दर्जा देकर दौड़ा दिया, लेकिन काफी ठहराव बंद कर दिए थे। इस बीच रीवा से बिलासपुर के बीच जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को उमरिया रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉप छीन लिया गया, बल्कि उमरिया रेलवे स्टेशन से बहुत ज्यादा मात्रा में यात्री इस ट्रेन में सफर करते थे। आपको बताते चले कि रेलवे मुख्यालय ने सभी मंडलों से छोटे स्टेशनों पर आमदनी, यात्री संख्या आदि की जानकारी मांगी थी। इसके अलावा रात में 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक भी ट्रेनों का डाटा खंगाला गया। इस समय अवधि में ट्रेनों का ठहराव कहां है और कितने यात्री ट्रेन से उतरते और चढ़ते हैं, इसका डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। इसके बाद कई ट्रेनों के ठहराव बंद किए गए। मंडल रेल प्रबंधक माननीय जीएम सिंह के द्वारा बताया गया कि रेल मंत्रालय ने जोन में पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर शक्तियां जीएम को सौंपी है। यानी कि जीएम के पास अब अधिकार है कि जीएम पैसेंजर ट्रेनों को शुरू कर सकता है, बशर्ते वो ट्रेन उन्हीं की जोन की हो और उन्हीं के जोन से शुरू हो और उन्हीं के जोन में ख़त्म हो। अगर कोई ट्रेन किसी जोन से शुरू हो रही है और वो दूसरे जोन में समाप्त हो रही है तो ऐसी ट्रेनों को शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। इनके अलावा अभी जो शक्तियां जीएम को सौंपी गई है, इससे रेलवे की आमदनी बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी कि किन रूटों पर पैसेंजर ट्रेन चलाई जा सकती है, इसको लेकर काम किया जा रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना काल से पहले जो पैसेंजर ट्रेन रद्द थी, उन सभी ट्रेनों को अब भारतीय रेलवे के द्वारा धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। बात की जाए अगर रीवा चिरमिरी सेक्शन की, तो रीवा से चिरमिरी के बीच में जो रीवा चिरमिरी ट्रेन चला करती है, तो आपको पता चले कि कटनी से चिरमिरी सेक्शन के बीच इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इस वजह से रीवा चिरमिरी ट्रेन फिलहाल अभी शुरू नहीं होगी जब तक इंटरलॉकिंग का काम समाप्त नहीं होगा। जैसे ही कटनी चिरमिरी सेक्शन का इंटरलॉकिंग का काम समाप्त होगा, उसके बाद रीवा चिरमिरी ट्रेन को चलाने की पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा रही है। इनके अलावा जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी ट्रेन को चलाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अभी बहुत ही जल्द जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आएगी, लेकिन रीवा चिरमिरी ट्रेन के लिए अभी यात्रियों को थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा। इनके अलावा कटनी चिरमिरी सेक्शन के बीच में और भी जो पैसेंजर ट्रेन चला करते हैं, इन सभी ट्रेनों को इंटरलॉकिंग कार्य के बाद ही शुरू किया जाएगा। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि इन ट्रेनों को कब शुरू किया जाएगा। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि जीएम को अधिकार दे दिए गए हैं कि जीएम अपने जोन की पैसेंजर ट्रेनों को शुरू कर सकते हैं बिना रेल मंत्रालय की परमिशन से। तो देखिए, शायद इन ट्रेनों को शुरू किया जाए। अगर ट्रेनें शुरू होती हैं तो यात्रियों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। बसों के महंगे सफर से यात्रियों को काफी मार झेलनी पड़ी थी। 3 साल से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है और जिन ट्रेनों को चलाया गया था उनके छोटे स्टेशनों पर ठहराव बंद कर दिए गए थे। तो छोटे स्टेशन वाले यात्रियों को भी अब लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जब पैसेंजर ट्रेन चलेगी तो वो अपने सभी रेलवे स्टेशनों में रुकते हुए जाएगी, जिसमें छोटे स्टेशन के यात्री भी आराम से यात्रा कर सकते हैं।
ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के बीच। और सबसे पहले ये जानकारी हमने आप रेलवे यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी सबसे पहले साझा की है। इस बात पे आज कोई बहाना नहीं चलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। जैसे ही हमको किसी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। Bye-bye.